किसी भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजार हो, जिसका भी आस्था का विषय होता है उसे नहीं बोलना चाहिए। अगर ये मेरा कुर्सी है, मेरा इस पर आस्था है, अगर आप बोलिएगा तो मुझे बुरा लगेगा। कुछ चंद लोग हैं जो बिगाड़ना चाहते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ये हिंदुस्तान को बिगाड़िए नहीं। हमारे नेता ने देश को और दुनिया को दिखाने का काम किया, ये हर क्षेत्र में काम किया, काम के साथ साथ भाईचारा मोहब्बत का पैगाम भी दिया, एक जगह बैठाने का काम किया। अगर वो सम्मान मंदिर का करते हैं तो सम्मान मस्जिद का भी करते हैं, गुरुद्वारा का भी करते हैं, गिरजाघर का भी करते हैं, उनको मानने वाले हैं। जमा खा तो मैं भी सबका सम्मान करता हूँ, अगर बुरा हुआ हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार, मैं हूँ आपके साथ असलम अब्बास। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के बयान को लेकर बिहार की राजनीति में कितना कुछ बवाल हुआ था, कितना धर्म को लेकर एक दूसरे पर कहासुनी हुई थी, आपने जरूर सुना होगा, जरूर देखा होगा। खास करके फतेह बहादुर जो राजद विधायक हैं, डेहरी वन से विधायक हैं, वो सरस्वती, दुर्गा और ना जाने कौन कौन भगवान पर वो सवाल उठा रहे थे, देवी देवताओं पर सवाल उठा रहे थे और साफ साफ वो मानने से इनकार कर रहे थे। और इतना तक नहीं, उन्होंने पूरे हिंदू समाज पर ही सवाल उठाया था। लेकिन इन सवालों पर, इन आरोपों पर जदयू के विधायक जमा खां और बिहार सरकार में जो मंत्री हैं उन्होंने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है, या कहें कि राजद विधायक को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारे नेता यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। इस तरीके के किसी भी विधायक के बातों का, बयानों का हम लोग कभी भी समर्थन नहीं करते और ये लोग समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ और क्या कुछ कहा है जरा आप सुन लीजिए। प्यार करते हैं आपस में, कहीं नहीं मिलेगा, और देश में जाएंगे पास पड़ोसी किसी को नहीं जानता है। मेरा देश है कि पड़ोस का आदमी हालचाल लेता है, यहाँ सब एक माँ बाप बन के लोग रहता है, यही हिंदुस्तानी खूबसूरती है। कुछ चंद लोग हैं जो बिगाड़ना चाहते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ये हिंदुस्तान को बिगाड़िए नहीं। हमारे बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने किस तरह से हिंदुस्तान को संवार कर देने का काम किया है, अगर हम आगे नहीं बढ़ा सकते तो नुकसान करने वाले हम लोग कौन होते हैं। और हमारे नेता ने देश को और दुनिया को दिखाने का काम किया, ये हर क्षेत्र में काम किया, काम के साथ साथ भाईचारा मोहब्बत का पैगाम भी दिया, एक जगह बैठाने का काम किया। अगर वो सम्मान मंदिर का करते हैं तो सम्मान मस्जिद का भी करते हैं, गुरुद्वारा का भी करते हैं, गिरजाघर का भी करते हैं, उनको मानने वाले हैं। जमा खा तो मैं भी सबका सम्मान करता हूँ, और किसी भी, मेरा मानना है किसी भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजार हो, जिसका भी आस्था का विषय होता है उसे नहीं बोलना चाहिए। अगर ये मेरा कुर्सी है, मेरा इस पर आस्था है, अगर आप बोलिएगा तो मुझे बुरा लगेगा, अगर बुरा हुआ हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान के हम सब लोग चाहने वाले हैं, सबको मानने वाले हैं, जिसको जहाँ आस्था हो वो खूब माने। थैंक यू। तो अभी आपने जमा खान को सुना है जो सूबे में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ किस तरीके से राजद विधायक को फटकार लगाई है। उन्होंने साफ साफ कहा है, इस तरीके के बयान देकर लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने खुद सुना है, खास करके फतेह बहादुर सिंह के बयान को लेकर किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि हिंदुस्तान में सभी धर्मों का आदर है, सम्मान है और नीतीश कुमार लगातार बिहार में विकास का काम कर रहे हैं, जैसा कि लोगों ने पिछले कई सालों से विश्वास को देखा भी है और जताया भी है। आप अपनी राय क्या रखते हैं जमा खान के इस बयान के बारे में, फतेह बहादुर के संदर्भ में हमें कमेंट ग्रुप में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।